बाद में गोपियां आती है, घेर लेती है उद्धव जी को और पूछते, प्यारे उद्धव बोलिए मेरे प्रभु ने क्या संदेशा दिया। और उसी समय एक भोरा आया और गोपियों के बीच में भन भन करके घूमने लगा। ये गोपियां उस भोरा से वार्तालाप करने लगी, बातचीत करने लगी। अरे भोरा, तो उसी कृष्ण का भेजा हुआ, उसी का कोई सखा दूत है क्या? क्योंकि तुम्हारा रंग रूप भी उसी तरह से है, तुम्हारे सखा जैसा, तू भी काला वो भी काला और व्यवहार भी वैसा है, वो भी कहीं एक जगह नहीं टिकता है। आप ध्यान भजन कीजिए तो ठीक है, नहीं कीजिए तो आपसे उसको क्या मतलब है? कहते हम भगवान को पूजते हैं, लो भगवान भूखे हैं आपके पूजा के लिए क्या? जब वो सब कुछ से परिपूर्ण है तो उसको क्या चाहिए? वो तो अपना कल्याण के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपना शांति के लिए लोग पूजा करते हैं। नहीं पूजिए, नहीं पूजिए। तो इसलिए अब बड़े लोगों के पास मोबाइल में हजारों नंबर होता है, हम कहेंगे हम नहीं करेंगे तो नहीं कीजिए, उसको तो हजारों फोन आ रहा जा रहा है। तो आप कीजिएगा तो आपका काम होगा, उसे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सांसा, उसको कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम है वो, सब कुछ से पूर्ण है। पर हम सब कुछ से अधूरे हैं, किसी चीज में पूरा है क्या? बल में, बुद्धि में, विद्या में, धन में, संपत्ति में, आयु में, किस चीज में पूरे हैं? सब थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है। पर परमात्मा पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है। इसलिए वो कहीं टिकता नहीं है। अरे भोरा, जैसे तू एक पुष्प का पराग लेके दूसरे पे उड़ के तीसरे पे चला जाता है ना, उसी तरह तुम्हारा कृष्ण भी कहीं अस्थिर नहीं रहता है। यदि कोई चाहे कि वो अस्थिर से रहे तो आप कथा सत्संग में लगे रहिए, वो उसका परमानेंट लोकेशन है, अस्थाई घर है, बाकी वो कहीं नहीं टिकते। जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करो मैं वासा, वहीं वास करते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, यत्र मद्भक्त्या गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है वहीं असली श्रीधाम वृंदावन है, वहीं मथुरा है, वहीं काशी है, वहीं अयोध्या है, रामेश्वरम है। इसलिए कहने का अभिप्राय है कि वो कहीं टिकते नहीं है। तो हे भोरा, तू तो उसी का सखा लग रहा है, तुम्हारा तू भी काला वो भी काला, कपट कहाँ तक सुनाऊं उसकी कपट कथा। उन्होंने तो हम लोगों को ऐसे त्याग दिया है जैसे कोई आम खा करके गुठली फेंक देता है। गुठली को कोई रखता है? कोई होशियार आदमी है तो गाड़ देता है कि गाछ होगा, नहीं तो बाकी फेंक देते हैं। उसी तरह त्याग दिया जैसे पत्ता जब सूख जाता है तो वृक्ष उसे छोड़ देता है, उसी तरह त्याग दिया जैसे पक्षी उस वृक्ष को छोड़ के उड़ जाता है जिसमें फल नहीं रहता है। अथवा प्राण तब तक शरीर में रहता है जब तक शरीर ठीक है, शरीर खराब हो जाए प्राण भी छोड़ के चला जाता है। वैश्या जैसे धनहीन व्यक्ति को त्याग करके भाग जाती है, जैसे पंडित दक्षिणा लेकर के यजमान से विदा लेकर चले जाते हैं, जैसे मुसाफिर खाना में रैन बसेरा में रात्रि विश्राम करके सवेरे मुसाफिर विदा हो जाते हैं, वैसे वो कृष्ण ओ हमारे प्रभु ने हम लोगों का त्याग करके यहाँ से चला गया। परसों का वचन दिया, आज वर्षों बीत गया, परंतु हम लोग तो मर भी नहीं सकते क्योंकि तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्म सापहम। क्योंकि हम लोग तो कथा अमृत का पान कर चुके हों और ये कथा अमृत का पान करने से कोई मरता नहीं है, पर वो किसी काम का नहीं रह जाता है। जिसको भक्ति सत्संग का रंग लग गया
जिन्होंने उसके रस को समझ लिया, महत्व को समझ लिया, तो फिर उसका मन दुनिया में कहाँ लगता है। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे, से राज हो, पाठ हो, धन हो, संपत्ति हो, वहाँ उसको उदासीनता आ जाती है, क्योंकि मन तो उसमें रम गया। भगवान बुद्ध के पास क्या चीज़ की कमी थी? राजा शुद्धोधन का राजकुमार, धन संपत्ति का भंडार, यशोदा जैसी सुंदरी पत्नी, परंतु वो किसी में मन नहीं लगा, क्योंकि मन भगवान में लगा था। हंसते खेलते संसार में उसे मुर्दा का नजर आता था। तो कहने का विषय, जो एक बार भगवान की भक्ति में लग जाए वो कहीं का नहीं रह जाता है। खिन दुनिया में उसे कुछ भी आनंद नहीं दे सकता जितना आनंद उसे भगवान की भक्ति से मिलता है। मेरा भाई राजपाट में रह रही थी, लेकिन भक्ति भजन नहीं छोड़ती थी। तो उसके देवर राणा को हुआ कि मेरा भाई हमारे कुल में कलंक लगा रही है, भक्ति सत्संग करके इज्जत में बाटा लगा रही है, ऐसा करो कि इसको भगा दो। मीरा भाई को बोला कि फैसला करो, तुमको राजपाठ चाहिए कि वो भक्ति भजन सत्संग चाहिए? तो मीरा भाई कहती है कि मुझे सत्संग भजन चाहिए। तो कहते जाइए। मीरा भाई राजपाठ छोड़ करके चली जाती है, वृंदावन में कुटिया बनाकर साधन भजन करने लगे। कंद मूल फल खाती है और ध्यान करती है, यही है भक्ति का प्रभाव। एक बार जो रंग में रंग जाए तो उसे दुनिया का सब रंग भंग हो जाता है, फीका हो जाता है। ऐसे थी मीरा भाई। परंतु राजा विक्रम के राज्य में अकाल ही पड़ गई। किसी बुजुर्ग ने कहा कि मीरा भाई जैसे भक्तिनी को तूने भेज दिया, अब घर में शांति कहाँ से होगी? इसीलिए यदि तू खैरियत चाहते हो, राज्य में कल्याण चाहते हो, तो उसे बुला लो। विक्रम राणा गए वहाँ जंगल में, तो देख करके रोने लगा मीरा भाई का वो दशा, वेशभूषा सूख गई थी, कंदमूल फल खाती थी, जमुना किनारे कुटिया में साधन भजन दिन रात करती थी। विक्रम राणा कहते, चलिए आपके लिए मैं सुंदर सोने का भवन बना देता हूँ, भगवान का मंदिर, राज दरबार में ही सारी व्यवस्था होगी, कोई व्यवधान नहीं होगा, चलिए वहीं पर पूजा ध्यान कीजिए। मीरा भाई सोचती है, जो दुनिया मुझे इतना दुख दिया, मैं वहाँ नहीं जा सकती। चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली और मंदिर में चली गई, और वहीं पर भगवान से प्रार्थना करती है कि प्यारे बस अब मुझे अपने में ही मिला लो, ये दुनिया से मैं थक चुके हूँ। बड़े भाव के साथ पुकारती है भगवान को। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी, मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी, मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। Oh, 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 oh
सावरे में मोर मुकुट बन जाऊं, यूं कहो तो सावरे में मोर मुकुट बन जाऊं। पहरने लागे सांवरे जब, पहरने लागे सांवरे जब, मस्तक पे रम जाऊं रे प्यारे, मस्तक पे रम जाऊं रे प्यारे। आओ तो सही रे माधव, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ले खड़े मोहन। आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ले खड़े। सांवरे में काजरियो बन जाऊं, पहरन लागे सांवरो जब, पहरन लागे सांवरो जब, नैनन में रम जाऊं रे प्यारे, नैनन में रम जाऊं रे प्यारे। आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ले खड़े मोहन। आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ले खड़ी, एक ले खड़ी रे मेरा भाई एक ले खड़ी, एक ले खड़ी रे मेरा भाई एक ले खड़े मोहन। आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ले खड़े मोहन। आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ले खड़े, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली। इस तरह से भाव भक्ति से मेरा भाई पुकार रही है, प्रलाप कर रही है, उसी समय भगवान की लीला ऐसी हुई कि भगवान के रूप में ही वो समा गई। विक्रम राणा बड़ी देर के बाद आया, मंदिर का फाटक खोला तो मीरा बाई का कोई आता पता नहीं था। देखा भगवान श्याम सुंदर के अंगूठी में मीरा बाई की चुनरी फंसी हुई है। समझ गए को तो जन्म जन्मांतर की योगिनी भक्तिनी थी और भगवान में विलीन हो गई, अब मुझे क्या मिलेगा। रोते रोते चले गए। इस तरह से जिसको उस भक्ति का रंग चढ़ गया, उस भाव में वो डूब गया, उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो वही शांति मिलती है। अब देखिए पानी है, पानी अस्थिर रहता है, पानी क्यों अस्थिर रहेगा, क्योंकि पानी का स्रोत कहाँ से आया है, पानी समुद्र से आता है ना, तो समुद्र में गर्मी से वाष्प बन के बादल रूप लेता है और बादल बरसता है, पानी धरती पे आता है और पानी फिर भागता कहाँ है, तो नाला में, नाला का पानी छोट मोट नदी में, वो बड़ी नदी में, नदी का पानी गंगा जी में, गंगा जी का पानी सागर में। पानी आया कहाँ से था, सागर से ही ना, और सागर में जाके सरिता निधि जल निधि में जाई हो अचल जी में जीव हरि पाई। जैसे जल सागर में चला गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया, क्योंकि उसी से वहीं से आया था। इसी तरह हम जीवात्मा उसी परमात्मा से आए,
और जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक ये तड़पता रहता है, अशांत रहता है। तो एक बार उसका रंग लग जाए तो इस तरह से ये गोपियों में ऐसा ही प्रेम। कहते प्यारे, अरे भोरा, मैं उसे त्याग भी तो नहीं सकती क्योंकि उसके भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। इस तरह से सुनो, उन्होंने हम लोगों का जरूर त्याग कर दिया, कहां तक सुनाऊं उसकी कपट कथा। किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। एक थी स्वरूप नखा देवी, स्वरूप नखा सुंदर रूप बना के आई भगवान के सामने, लेकिन इस स्वरूपा को क्या किए जानते हो भोरा? अरे भोरा, इन्होंने स्वरूपा को कुरूपा बना दिया। सुंदरी बन के आई, अबंदरी बना के भेज दिया। वैसे थी राक्षसनी, मेकअप करके पूरा एकदम योग माया से वो विश्व सुंदरी बन के आई। भगवान को कहती है कि राम जी, दुनिया में कोई नहीं है मेरे काम जी, केवल तुम ही हो मेरे काम के। तो ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। अरे राम सुनो, मैं कुमारी हूँ, मेरे योग कोई सुंदर पति नहीं क्योंकि मैं विश्व सुंदरी हूँ। तो हमारे लायक कोई है नहीं, मैं सबको छांटती जाती हूँ, कोई मेरे पसंद का नहीं है। लेकिन तुम्हें देख करके मन में लगा तुम थोड़ा सा ठीक ठाक हो। तो भगवान कहते थोड़े सा ठीक ठाक हो क्या, हमें भी कमी है क्या? तो स्वरूप नखा जो विश्व सुंदरी बन के आई कहती, नहीं नहीं तू ठीक ठाक हो, लेकिन थोड़ा सा सांवले रंग के हो, काले कलोटे हो, बाकी ठीक है चलेगा। तो तुम सम पुरुष न मोसम नारी, अभी संजोग यह रचा बिचारी। कहती है कि विधाता ने बड़े संजोग से हम लोगों की जोड़ी बनाई। अब ब्रह्मा जी वहाँ माथा ढूंढ रहे कि इस कलमुही की जोड़ी में भगवान से कहाँ बनाया, मेरा नाम क्यों घसीट रही है। अब देखिए झूठ पे झूठ बोल रही है। परंतु भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोही पावा। भगवान रूप बना करके सुंदर रूप बना के भेजे तो ऐसा थोड़ी कि मुंह में कालिख लगा लीजिए, मुंह में पेंट लगा लीजिए करिया, ऐसा नहीं। रूप तो सुंदर से ठीक है, पर दिल से भी, भाव से भी, भक्ति से भी सुंदर, गुण से भी सुंदर हो तो भगवान कहते वो सुंदर मुझे पसंद है। निर्मल मन जन सो मोही पावा, अब मोही कपट छल छिद्र न भावा। ये जैसी थी वैसी तो थी नहीं, राक्षसनी थी, वो सुंदरी बन के आ गई। शादी शुदा विद्युत जो की पत्नी थी बोली कि मैं कुमारी हूँ। तो भगवान तो जैसे कि जैसी देवता वैसी पूजा। भगवान भी कहते हैं कि देखो मेरा भाई कुमारा है लक्ष्मण जी, जबकि लक्ष्मण जी की भी शादी है उर्मिला देवी से। तो लक्ष्मण जी के पास जाओ देवी जी, लक्ष्मण जी कहते सुनो सुंदरी, मैं उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुभाषा, मैं उसी का दास हूँ, मैं सेवक हूँ, हमको सुख नहीं तो तुमको कहाँ से सुख मिलेगा। अब फिर ये स्वरूप नखा भगवान के पास, भगवान लक्ष्मण जी के पास, अब ये बीच में दौड़ लगा रही है। जब दोनों तरफ से कहीं कुछ नहीं मिला तो ये असली रूप राक्षसी रूप में आ गई और सीता मैया को खाने दौड़ी। तब भगवान का इशारा मेरा मिला और लक्ष्मण जी ने खेल खेल में ही उसके नाक कान को काट कर उसके कुरूपा बना दी। चलिए तो हो गया, लेकिन स्वरूपा स्वरूप नखा जब वो फर दे रही थी, विश्व सुंदरी थी, तो भगवान ऐसे भगा देते, नाक कान काटना जरूरी था? तो यही गोपियां कह रही कि उन्होंने भी सुंदरी को भी बंदरी बना दिया। एक बाली और सुग्रीव था, चलो सुग्रीव से दोस्ती हो गई ठीक है, पर बाली से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसे छिप करके मार दिया शिकारी की तरह। चलो उसकी बात छोड़ो, एक धर्मात्मा बाली बली था, राजा बली, वो भी दान कर रहा था, मुंह मांगा दान कि जो मांगो वही दूंगा। ये कैसे गया जानते हो भोरा? ये बौना बन के गया, 52 अंगुल का। हम लोग कितने अंगुल के हैं नापे हैं? हम लोग 84 अंगुल के हैं। क्यों हैं? ये 84 के चक्कर से छूटने के लिए भगवान 84 अंगुल का दिए। एक आदमी बोला नहीं हम 85 हैं। 85 कोई नहीं, अपने अपने हाथ से सब 84। लोग कहते भगवान हमको घर पर कुछ नहीं दिया, ऐसे रहते हैं। दूसरे को देखो 3 मंजिला छत पीटने वाला है, हम छातिये पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। भगवान किसी को घर नहीं दिए, आदि दिए हैं ना तो एक ही जैसा घर दिए। घर तो 3.5 हाथ घनो तो 4.5, केस तेस बड़ा कर लीजिए एकदम भूत के तरह, तो एक बिता और बढ़ जाइएगा।
प्रभावित है, लेकिन सब का शरीर अब उसके हाथ से 3.5 हाथ ही होता है। ये परमात्मा का दिया हुआ एक साइज का घर है सबके लिए, नाक मुंह आँख कान नाक खाने पीने का सब व्यवस्था एक ही जैसा दिया, तो परमात्मा को भेद किया है? भेद तो हम लोगों में है। तो ये 52 अंगुल बन के गया मौना बन के, और 3 पग भूमि मांगा, और उसी के बहाने 3 लोग लूट करके उसको भिखारी बना दिया। जो दान दे रहा था उसी को सब लूट लिया, तो ये किसी को नहीं छोड़ा। कहाँ तक बताऊँ, ये तुम्हारा मित्र कपटी है, कौआ की तरह है, कौआ को खिलाइए कौआ का पेट भर जाता है ना, तो खिलाने वाले के खोपड़ी में चोच मार के उड़ जाता है। ऐसा तुम्हारा कृष्ण है। ये गोपियाँ प्रेम में आवेश में भाव में भक्ति में क्या क्या बोल दी पता नहीं। भोरा उड़ गया, अब भोरा जब उड़ गया तभी गोपियाँ पछताने लगे, अरे भोरा गलती हो गई, मैंने तो आवेश में आकर के कुछ बड़बड़ा दी, मेरे हृदय में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने प्यारे श्याम सुंदर को हृदय मंदिर में बसा करके दिन रात उसकी पूजा करती हूँ, तुम माफ कर दे, अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, आ जा लौट के। भोरा फिर से आ गया। अब कहिए गोपियाँ पूछ रहे भोरा एक बात बता, चल छोड़ ये शिकायत की बात, एक बात बता कि मेरा मेरे प्यारे श्याम सुंदर उस मथुरा में रानी महारानियों के बीच में क्या मेरी भी चर्चा करते हैं? प्रेम से ही नहीं इसी आवेश में भी आकर के तो कुछ तो बोलते होंगे, कुछ तो बता। अब ये उद्धव जी तो खड़े खड़े देख रहे थे ना कि ये गोपियाँ गप किससे कर रही हैं, भोरा से, कीड़ा होता है बड़ा सा उसी से। उद्धव जी को तो आश्चर्य का सीमा नहीं रहा, हे भगवान सत्संग तो सत्संगियों के बीच में होता है, पर ये गोपियों के हृदय में कैसा अगाध प्रेम है कि कीड़े मकोड़े के बीच में भी अपना प्रेम का प्रदर्शन कर रही है। उद्धव जी कहते हैं धन्य हो गोपियों, धन्य है तुम्हारा भक्ति, धन्य है ये तुम्हारा प्रेम, ये धन्य है तुम्हारा समर्पण, आज 3 लोकों में तुम्हारे जस कीर्ति का पता खा फर रहा है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजय कसाम, धन्य है तुम्हारा ये जन्म कि तूने इस जन्म में उस प्यारे प्रभु का की भक्ति कर रही हो। इस तरह से उद्धव जी 3 दिन के लिए गए थे समझाने के लिए गोपियों को, पर 6 महीना हो गया और गोपियों के प्रेम में उद्धव जी पागल हो गए, गोपियों की भक्ति प्रेम के रंग में उद्धव जी रंग गए। अब शरीर का सुधी नहीं, शरीर में जैसे तैसे वस्त्र पहने हैं, खाने पीने का होश नहीं, जहाँ कहीं भी गोपियों की भक्ति की चर्चा होती है वहीं बैठ के उद्धव जी मजीरा बजा करके मगन हो जाते हैं। और इस तरह से 6 महीना के बाद उस वृंदावन से अहो योयम स्व पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पतम मनः, धन्य हो गोपियों इस तरह का प्रेम भक्ति। और वो 6 महीना के बाद उद्धव जी आ गए वृंदावन से, मथुरा को आए, भगवान ने हृदय से लगाए, परंतु जैसे भगवान पूछते हैं कि उद्धव बताइए हमारे वृंदावन में कैसे है मेरी मैया बाबा वो सब, और उद्धव जी जिसके बारे में सोचते हैं ना तो गला रुंध जाता है, कहते हमसे बात मत करो, मैं आपसे बात नहीं करता, दूर रहो। भगवान दौड़ के जाते उद्धव क्या हो गया तुझे? उद्धव कहते आज मुझे पता चला कि तुम कितने निष्ठुर हो, जो गोपियां ब्रजवासी ग्वालवाल तुम्हारी राह देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए मथुरा की ओर ताकते रहते हैं, उसे तूने परसों का वचन दिया, बरसों तक तुम्हें याद नहीं आए, कैसे भगवान? तब उद्धव भगवान ने दौड़ के गए उद्धव को हृदय से लगा लिए, कहते प्यारे मैं यही प्रेम की भाषा सुनना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे उस प्रेम नगरी में भेजा, मेरी गोपियाँ के अलावा ग्वाल बाल के अलावा मुझे इस तरह से कोई डांट के नहीं बोल सकता, इससे मैं समझ गया कि तुम्हारे ऊपर भी प्रेम का रंग चढ़ गया है, इसलिए प्यारे उद्धव सुन,
वो मेरी गोपियां मेरे ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहता, मैं सदैव उसके मन मंदिर में विराजमान रहता हूँ और उसे आनंद प्रदान करता रहता हूँ। तो उद्धव जी कहते ठीक है प्यारे, तो मुझे भी एक वरदान दीजिए। भगवान कहते क्या वरदान? कहते प्रभु मुझे बस मेरा जब भी जन्म हो ना तो मेरा जन्म आप वृंदावन में दे देना, ताकि मनुष्य नहीं बनाना तो पशु पक्षी उस वृंदावन के गुल्म लता औषधि बना के भेज देना, ताकि जहाँ आपके भक्त दिन रात आपका भक्ति भजन करते रहते हैं तो उन पवित्र भक्तों के पवित्र भक्ति भजन करने वाले वो महान भक्तों का चरण धूल मुझ पर पड़ता रहे और मेरा कल्याण होता रहे। आसाम हो चरण रेणु जु साम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां या दुस्त्यजं सजन मार्य पथं सहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुति विर्विमिज्ञां आसाम हो चरण रेणु जु साम हम श्याम। ऐसे भक्तों के बीच में मेरा जन्म हो, मतलब राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय आ जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। तो संतों के संग में सत्संग मिले, भक्ति योगी कुल में जन्म मिले तो भक्ति सत्संग मिले तब जाके कल्याण हो, मन लगे भगवान में। इसी तरह से उद्धव जी ने वरदान मांगा। तो वृंदावन में जन्म लेने का मतलब क्या है कि भक्तों के घर में जन्म हो। वो दुर्भाग्य है उसका, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, उस लड़की लड़की उस भाई बहन का जो सत्संगी घर में जन्म लेकर के साकट वाला जीवन जीते और नास्तिक के तरह वो भक्ति भजन से दूर रहते हैं। जबकि भगवान कहते हैं अर्जुन जब मैं कृपा करता हूँ तो उसे योगी कुल में जन्म देता हूँ ताकि वो भक्ति करके आगे बढ़े, लेकिन हम लोग जो उससे भागते हैं तो जाने कि हमारा भाग ही फूटा हुआ है। उद्धव जी महाराज रोने लगे कि प्रभु मेरा जन्म वृंदावन में हो। तो भगवान कहते जरूर होगा उद्धव, तुम्हारे जैसे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, तो सदा सदा के लिए मेरा भक्त बना रहेगा। हो मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे। ये उद्धव जी की प्रेम और भक्ति, और इस तरह से हम लोगों ने उद्धव जी का संवाद सुना। अब आइए भगवान का प्रथम विवाह हम लोग कल देख लिए थे ना, कौन कौन कल विवाह में भाग नहीं लेते हाथ उठाइए, तो कल नहीं आल रहा कि हाथ का ही उठा लिए, मतलब चॉकलेट नहीं मिला क्या? विवाह में भाग लिए ना तो आप लोग का भाग का सितारा चमक गया। भगवान का विवाह हो, भगवान का उत्सव हो, भगवान के नाम पर कथा हो, कीर्तन हो, तो जरूर आना चाहिए।
ईश्वर की कृपा होती है ना तो सब कुछ में सफलता मिलता है। भागवत महापुराण 17 पुराण के बाद ये भागवत महापुराण की रचना हुई, यानी कि सबका सार बात इसमें है। इसलिए वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल भागवत कथा है। जो इस कथा का थोड़ा भी अंश सुन लेता है तो उसमें उसके अंदर भगवान की भक्ति आती है, और जो कथा कराने वाले होते हैं वो बहुत पुण्य के भागी होते हैं। तो हमारे आदरणीय गणपति बाबू गणपति चौधरी जी ने बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ ये भागवत कथा का आयोजन किए, और इनकी तपस्या है कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, गुरुदेव की दया कहिए, कितने सुंदर तरीके से ये कथा संपन्न हो रहा है। बारिश भी हुई लेकिन वो यज्ञ की सफलता का सूचक बना। भगवान जन्म लिए तो जन्माष्टमी का लुक होना चाहिए ना, तो दो चार बूंद बारिश क्या, बारिश दिन में हुई, कथा समय में थोड़ी हुई। इसके बाद भगवान के विवाह में भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो दो बूंद पानी हुआ, दो चार को आसनी पासनी लेके भाग गए। तो इस तरह से इतना सुंदर यज्ञ हुआ और बड़े पुण्य आत्मा हैं, और गुरु महाराज से प्रार्थना है कि जो भी मन में भावना है भक्ति वो जरूर पूरा करेंगे, और आप लोग भी 7 दिन तक खास व्यवस्था नहीं रहने के बाद भी देखते तिरपाल का कोना ऐसे ही फटा हुआ है, पर टेंट वाला बेचारा 2-4 जगह सट्टा लगा था ना, इसीलिए व्यवस्था तो अभी ठीक से किए हैं, पर फिर भी आप लोगों ने इतना इज्जत सम्मान दिए इस कथा का, खास बैनर पोस्टर भी नहीं, कोई खास प्रचार भी नहीं, फिर भी आप लोग आए तो ये आप लोग धन्यवाद की कृपा के पात्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं, अपार पुण्य के भागी हैं। और इस तरह से यदि हम शोभा बढ़ाते रहेंगे ना तो भगवान की कृपा से हमारा भी शोभा बढ़ता रहेगा, जीवन में 4 चांद लगता रहता है। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, क्या हुआ प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का जन्म हुआ, एक राक्षस ने उसे छीन लिया बच्चा को, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। देखिए भगवान के घर में भी दुख है, भगवान का बच्चा है वो भी चला गया है, भगवान की माँ है उसके भी 6 बच्चे चले गए, तो मरना जीना सबके घर में लगा है। इसलिए आगे की सुदिले बीतीता ही विसारी है, बीत गया उसे भूल जाइए, आगे की सुधी लीजिए, आगे जो अच्छा समय है उसको उपयोग कीजिए। भगवान का बच्चा चोरी हो गया, सोचिए राक्षस ने जाके समुद्र में फेंक दिया। पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कर्म का फल आदमी को पीछा नहीं छोड़ता है। ये राक्षस बच्चा को समुद्र में फेंक दिया, एक मछली बच्चा को निगल गई, एक मछुआ ने उसी मछली को छांक करके उसी राक्षस को दे दिया, और जब रसोईया ने पेट को चीरा तो बच्चा निकला, तो उसका लालन पालन उसी राक्षस के घर में होने लगा, सम्रासुर के घर में। अब वो बच्चा जो था वो पिछले जन्म का कामदेव था, जो भगवान के कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न रूप में आया था। तो नारद जी ये बात रति देवी उसकी पत्नी को बता दिए, रति देवी आकर के सम्रासुर के घर में अपने पति जो बाल रूप में है प्रद्युम्न उसकी सेवा करने लगी, जो कामदेव था पिछले जन्म का। अब जब बड़ा हो गया ना प्रद्युम्न, तो उसकी पत्नी बोली महाराज मैं आपकी ये सेविका नहीं हूँ इस घर की, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा नाम रति देवी और आप कामदेव हैं, जिसको भोले बाबा ने जला दिया था और बाद में वरदान दिया था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हरि है भार महामही भारा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, अवचन अन्यथा हो न मोरा। कामदेव को वरदान दिया था कि यदुवंश में जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा, ये रति को वरदान दिए थे कामदेव। तो यही रति देवी कह रही है कि महाराज आप कृष्ण पुत्र तो हैं ही, पर आप पहले कामदेव थे, कामदेव हैं, अब मेरे पति हैं। फिर ये कहते महाराज ये आपका पिता का घर नहीं है, ये आपके दुश्मन का घर है, राक्षस का। तब क्रोध आया महाराज प्रद्युम्न को, और एकाएक आक्रमण किया और सम्रासुर का उद्धार करके संहार करके अपनी पत्नी रति देवी के साथ द्वारिकापुरी को आ गए। भगवान के खुशी में 4 चांद लग गया, बेटा खो गया था दुख हुआ, अब बेटा मिला तो पुतहु के साथ मिला, खुशी हुई कि नहीं।
सुखदेव जी कहते राजन इस तरह से भगवान के और भी विवाह हुए, कितने गिनते जाओ, 16108। एक विवाह में कितना रंग अबीर गुलाब लू उड़ाए थे इंजीनियर साहब, उसी हिसाब से अब चॉकलेट पॉकेट लाइए। एक विवाह में दो पॉकेट तो 16100 विवाह में कितना पॉकेट। एक विवाह में 20 किलो सूजी का हलवा हाँ तो 16108 विवाह में सोच लीजिए यजमान, समेट करके एक बार प्रणाम कर लीजिए, भगवान को कुछ नहीं दे पाइएगा। कहते हैं राजन भगवान एक बार अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर के यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे, सूर्य पुत्री कालिंदी वहां तपस्या कर रही है। अर्जुन से पूछा कि जाओ अर्जुन पता करो ये देवी कौन है। अर्जुन गया पूछा देवी तुम कौन हो, ते अर्जुन अम देवस्य सवितुर दुहिता पति मृच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ और मैं भगवान नारायण विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। भगवान सब रूप में आ जाते हैं तप करके बल पर, पुत्र रूप में, पति रूप में, पिता रूप में, बेटा रूप में, सब रूप में। पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, ऐसे जैसे माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ के लिए तप की थी। ताज भगवान कहते ठीक है तो उसे बुलाओ, और वहीं अर्जुन पंडित जी बन गए और यमुना किनारे ही विवाह का मांगलिक वेला के साथ विवाह हो गया विधि विधान के साथ। तो भगवान की ये दूसरी पत्नी क्या कालिंदी देवी, तीसरी पत्नी भगवान की थी भगवती श्रुति कीर्ति की पुत्री भद्रा देवी, और इस तरह से सत्या देवी, और इस तरह से विंद अनुविंद की बहन मित्र विंदा। इस तरह से आठ विवाह अलग अलग पे हुआ, आठ विवाह जो है ना। एक बार की बात है सत्राजीत जो था एक राजा, वो सूर्य भगवान की उपासना किया तो सूर्य भगवान ने उसे एक स्यमंतक मणि दिया था जो आठ बार सोना निकलता है मणि से। तो किसी ने कहा भैया ये मणि तो बड़ा सुंदर लग रहा है लेकिन ये मणि भगवान को पहना देते तो मजा आ जाता। देखिए हम लोगों की एक सनातन परंपरा रही है कि बढ़िया चीज़ पहले हम भगवान को पहना देते हैं तब ले करके पहनते हैं, इन्हीं के बस बस नथिया नकमुन्नी बुलकी लगा के से दिखा रहे हैं, पहले भगवान को चढ़ा दीजिए तब पहनिए तब ठीक रहता है भाई भगवान का। तो सुंदर चीज़ हम भगवान को देते हैं, सुंदर जगह पर घर में जो सबसे सुंदर जगह होता है वहाँ भगवान का मंदिर बनाते हैं, डीह में जो ईशान कोण होता है पूर्व उत्तर का कोना वो सबसे सुंदर होता है वहाँ भगवान का मंदिर, कोई पहाड़ के चोटी जो सुंदर जगह तो भगवान का मंदिर बना देते हैं। तो सब सुंदर चीज़ भगवान को दीजिए उसी में आपकी भी सुंदरता है। किसी ने कहा कि तू ये मणि दे दो भगवान को बड़ा सुंदर लगेगा, सत्राजीत बोला हम किसी को नहीं देंगे हम अपने पहनेंगे। उसका भाई परसेन था, परसेन जीते एक दिन वो मणि पहन के चला गया जंग और शिकार खेलने, लौट के नहीं आया। सत्राजीत को शक हो गया कि ये मणि लगता है कि वही कृष्ण का नया चोरा लिया है, क्योंकि बचपन का चोर था तो चोर तो चोरी न रहता है। घरवाली को बोला सुनती हो क्या वो जो कृष्ण कन्हैया था ना चोरे हैं, पहले माखन मिश्री चोराता था अब सोना चांदी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसीलिए किसी को हल्ला मत करना, जब सबूत मिलेगा तब हम भंडाफोड़ करेंगे। घरवाली को बोल दिया किसी को मत बोलना। अब माता बहन की एक बीमारी है, क्या बीमारी है जानते हैं, उसके कान में कोई बात बोल दीजिए, अब बोलिए किसी को मत बोलना। अब जब तक वो पांच को बोलेगी नहीं पड़ोसी को तो उसके पेट में गुड़गुड़ी या माथा में घुरघुरी बोले बिना रहेगी नहीं। पड़ोसी के पास जाके बोली कि सुनो वो कृष्ण कन्हैया चोर है, मैं तुमको बोल रही हूँ तुम किसी को मत बोलना। अब वो दूसरे के पास मैं तुमको बोल रही हूँ कृष्ण चोर है तू किसी को मत बोलना, वो तीसरे के पास मैं तुमको बोल रही हूँ कृष्ण चोर है तुम किसी को मत बोलना। अब बोलते जा रहे कहते किसी को मत बोलना।
अब बात कानो कान फैलती चले गए भगवान के सुधर्मा सभा में, ये बात आ गई भगवान दरबार में विराजमान। उद्धव जी कहते सरकार सूचना मिल रही है कि आप चोर हैं। भगवान कहते सूचना तो ठीक है लेकिन हम चोर, ये सोना चांदी रुपया पैसा मोबाइल की चोरी थोड़ी करते हैं, एगो चाबी हमको हाथ लगा है तिजोरी की है, हम देख लिए हैं तो कहाँ तिजोरी गड़ा हुआ, सोच लीजिए किसकी चाबी है, नहीं है तो बक्सा गोल हो जाएगा, सोच लीजिए यहाँ है जिसका ले लीजिए। तो भगवान कहते भाई मैं चोरी तो करता हूँ, मैं तो चोरी हूँ, जो माँ बाप कंजूस होते हैं ना, जो बच्चों को भी नहीं खिलाते अपना भी नहीं खाते हैं, तो उसी के लिए मैं बोला कि चोरी चपाटी करो खाओ पियो तब ना माँ बाप की सेवा करोगे, लेकिन ये सोना चांदी गहना जेवर भगवान थोड़ी चोरी करने बोलते हैं, ये तो पाप है ये कलंक है। तो भगवान अब रथ पे सवार हुए जंगल चले गए पता करने, घनघोर जंगल में वो सत्राजित मरा पड़ा था, वो मणि नहीं था वहां, तो मरा कैसे, तो एक बाघ ने उसे मार दिया था सिंह, तो सिंह आया कहां से, तो उसके पद चिन्ह पर भगवान आगे बढ़े तो गुफा उधर एक चले गए, तो आगे देखा कि सिंह भी मरा है। अब पहुंचल सत्संगी सब चारों तरफ प्रणाम तो करते, लेकिन इतना देर से आना चाहिए, बैठा बैठा कोई बात नहीं माता जी, बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए कहने का मतलब है कि सिंह भी मरा था, तो सिंह को किसने मारा, तो एक भालू ने उसे मार दिया था, भालू के पद चिन्ह को देखते हुए भगवान गया कि भालू आया कहां से, तो जाते जाते गुफा में फिर से घुस गए, तो गुफा में एक राजकुमारी थी, गुफा में तो अंधेरा होता है लेकिन सूर्य का प्रकाश मणि के प्रकाश से फैल रहा था प्रकाश, मणि से खेल रही थी वो राजकुमारी, भगवान गुफा में घुसे और कहते हे राजकुमारी चल रहा मणि, ये मेरा मणि है कहाँ से तू ले आई, चल रहा यहाँ। और राजकुमारी लगी रोने चिल्लाने की पापा पापा देखो मेरा मणि ले रहा है, पिताजी मणि छीन रहा है। अब जैसे उसका पिता सोया पड़ा था जामवन, उसकी नींद खुल गई कि मेरे घर में कौन आ गया, इतना गुस्सा आया कि दो मुक्का दे, दो मुक्का जो भगवान को लगा तो उसी क्षण में चार मुक्का गदगदा दिए, वो आठ तो ये सोलह वो बत्तीस वो चौसठ है मुक्का मुके चलने लगा। मुक्का मारे के मैं को फोड़ रहे हैं, गद बजाए गद, ओ मुक्का मुक्की जब चलने लगा ना गुफा में तो ऐसे साउंड बॉक्स का आवाज धम धम की हो रही है, एक दिन दो दिन चार दिन क्या 28 दिन तक चला मुक्केबाजी, न इधर हार रहे न उधर हार रहे, बाद में भगवान ने एक मुक्का जो धोना पर दिया सीधा हो गए, कहते बस हो गया महाराज मैं पहचान गया। भगवान कहते पहचानने के लिए तुमको 28 दिन लगता है, इतना घसाट पिसाट खाने के बाद पहचान आता है कि मैं भगवान हूँ। ये जामवंत बोला सरकार ये दुनिया वाले यही यही चाल समझते हैं, जो कम कीजिए उतना गूगल का है दे दिए, धुआं उड़ रहा है सब मखर मक्खी भाग जाएगा, थोड़ा कम देना चाहिए ना। जामवंत कहते सरकार ये दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं, जब दुनिया में भारी दुर्गति होती है ना, घर द्वार में जब घसाट पिसाट खूब लगता है तब छोड़ देते सब कुछ, कहते अब हरे को हरि नाम, अब हरिद्वारे जाएंगे भजने करेंगे, क्योंकि घर वाले रिटायरमेंट दे दिया भागो यहाँ से घसाट पिसाट, ये हर तरह से दुर्गति होती है तब घर छोड़ के मैं अथवा मन लगता है भक्ति भजन में, पहले लग जाए तो ये सब होगा, तो दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है, सुख में नहीं करेंगे तो मालकिन बन जाती है, काम करना वो काम करना बहुत हड़बड़ी है, अब पहले नहीं कुछ था तो रोज स्तुति बिनती में गुरु महाराज हमको ये दे दो वो देता, जैसे हो गया बस हो गई मालकिन, मालकिन हो गई तो फिर उसको छीनने में भी देरी नहीं लगती ना। तो ये दुनिया का हाल है, पूरा छिलका जब छूट जाता है ना तब तब भी अकड़ नहीं जाता है, कैसे छिलका छूटता जानते हैं,
जैसे मछली को रोही बुआरी को उधर ने डगड़ा में ले जाएगी उधर पछवार में, देख घसाट चिकना देती है। एक बार एक पंडित जी गया था पूजा करने, तो जजमान ने वो धोती दिया झल फांसी। पंडित सोचा इसका तो काम होगा नहीं, चलो कोई काम लगाएंगे। लेके जा रहा था घर, अब जजमान गया खाया भी नहीं, बोला अहाँ के भोजन नपाक है, मतलब शुद्ध भोजन, तो दो चूड़ा दियो। हेलो, दूसरे के जजमान के यहाँ भोजन अशुद्ध है, लेकिन रोही बुआरी जो सोसे सोसे खाते वो शुद्ध है। तो वैष्णव तो बने है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध की ज्ञान रखते तो वो भी तो शुद्ध है ना। जजमान दिया वो धोती लेके आ रहा था, रास्ते में वो गड्ढा में मछली फड़फड़ा रही थी। पंडित जी के जी से पानी टपकने लगा, वो मछलियाँ पकड़ के ले जाते ना, अब फराय जब पंडित इन करती तो कर कर खाने में मजा आता, लेकिन जाल तो है नहीं। और जजमान जो धोती दिया था ना, वो जल फांसी था, सोचा रुको इसी से छांक लेते हैं। तो छांका मारा वो जल फांस धोती, अब मछली छांक के लिए गया। अब पंडित इन उधर जो है ना डगड़ा में घसाट पिसाट दे करके चमका दी मछली को, लोहिया में तेल कड़क रहा है, लोहिया में तेल कड़क रहा था। और उसी समय आओ नंगड़ी पुछड़ी काट रही थी, पंखा तो काट दी मछली की, पुछड़ी काटना भूल गई। और उसी समय जैसे मछली को लोहिया में दे रहे थी ना, तो हाथ से पिछड़ गई मछली। देखो बबुलवा ताक में था, मारा लोल लेके उड़ गया, उसके पीछे कौआ लगा रपेटने लगा, नालायक कह के जब मोर मेहमान आता तो हम कह कह करते तू कहाँ से आ गया। अब कौआ बगुलवा में भिड़ंत हो गई मछली को लेकर के एक नदी के ऊपर। मछली को लेकर के भिड़ंत हो गई कौआ बगुलवा में, और दोनों में जो लड़ा हुआ ना, तो बगुलवा के लोल से मछली नीचे गिर गई। मछली तो नीचे गिर गई, लेकिन पंख जो कटा हुआ था ना, ऐसे टेढ़ा होके मछली हेल रही थी। मछलियाँ जो है ना टेढ़ा होके ही हेल रहा था। और मछली सब बोलाए, देखो ना बूढ़ा हो गया, अकड़ नहीं गया, कैसे टेढ़िया के हेल रहा है, कैसे टेढ़ा होके हेल रहा है। मछली बोला कि बेटा तुमको क्या पता है कितना घसाट पिसाट लगा है, कितना घाट का पानी पिए। मछली सब पूछा की भेलो बोल। बोला सुनो, पजरा में छोर आ पाख दोनों कट्टा आ तीनों भुवन घूरी के लियो रे बेटा। पहले तो पंडित इन घसाट पिसाट दिया, फिर बगुला, तब कौआ, तब यहाँ आया। तो ये दुर्गति होती है ना, तब हम लोग को भगवान याद आता है। तो भगवान कहते महाराज मैं जान गया आप जामवंत जी हैं, रामावतार में आप मेरे सेनापति थे, पर इस समय मेरा मणि दे दीजिए। जामवंत ने कहा सरकार मैं अपने बेटी को दे दिया हूँ, तो आप ऐसा कीजिए कि बेटी को भी पानी ग्रहण कर लीजिए और आप मणि दहेज में ले लीजिए। भगवान ने स्वीकार किए और जामवंत पुत्री जामवती से भगवान का विवाह हुआ। बाद में सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से भी विवाह हुआ। ऐसे एक एक करके 8 विवाह, 16,100 विवाह एक भौमासुर का उद्धार करके, मूर नामक दैत्य का उद्धार करके किए। इस तरह से भगवान के पूरे परिवार 16,108 पत्नियां हो गई। और इसके बाद सबसे 10-10 बेटा हुआ, एक एक बेटी पोता पोती नैत नतिन को टोटल भगवान के परिवार की आबादी 56 करोड़ की हो गई। पर इतने बड़े परिवार में भी भगवान बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। आप लोग है ना जितने भी माता बहन, आज तो अंतिम में अकल से तो आना है नहीं, इसलिए सट के बैसी है, इतना भी गर्मी भी तो नहीं है। तो उधर जो दूर में बैठे हैं तो वो भी नज़दीक आ जाएंगे। आप लोग बिल्कुल सट जाइए, सबके बहुत जगह है, सट के बैठिए, आपको हिलियो नहीं रहे। नहीं सट वो थोड़ा हिलियो जाना समझ में, देखिए सट गए। तो इस तरह से भगवान के पूरे परिवार ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्य स्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करन आत्मानं तमसा परम
भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान सत्संग करते हैं, और इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्संग ध्यान करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है घर परिवार संसार का। यदि करना चाहे तो समय जरूर निकल जाता है। जब भगवान इतने बड़े परिवार से समय निकाल सकते हैं तो हमारे पास तो 10-20-50 ही होगा ना, बहुत होगा। तो इसलिए हम लोग को भक्ति सत्संग की प्रधानता देनी चाहिए। एक बार भगवान ने एक गिरगिट पर स्पर्श किए तो राजा नृग था, वो राजा बन गया, देवता बन करके स्वर्गलोक को चला गया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभु, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। एक बार पौंड्रक नामक नकली भगवान जब प्रगट हुआ बन करके, तो भगवान ने सुदर्शन से उसका भी उद्धार किए। इस तरह से समय समय पर भगवान ज्ञान उपदेश अपने पुत्रों को भी देते हैं। एक बार रुक्मणी मैया से भगवान का संवाद हुआ था। रुक्मणी मैया के भवन गए ना भगवान, तो रुक्मणी मैया पंखा करने लगी। भगवान कहते, रुक्मणी देवी तूने बड़ी गलती कर दी, पता है क्या? अरे तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली? हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी नहीं, तू राजकुमारी, मैं ग्वाल बाल हूँ, मेरा माँ बाप का भी अता पता नहीं, रंग रूप भी काला कलोटा है, कोई गुण नहीं है, बचपन का मैं चोर हूँ, एक नंबर का डरपोक हूँ, तू मुझसे क्यों शादी कर ली? और रुक्मणी मैया को समझ भी नहीं आ रहा कि बड़बड़ा क्यों रहा है, और 10 बच्चे का बाप होने के बाद इसको होश आया कि शादी क्यों की है। पर भगवान तो बोल रहे बोलते जा रहे। बाद में रुक्मणी मैया को लगा शायद ये मेरा त्याग कर देंगे, इसीलिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि रामा अवतार में जानकी मैया जब गर्भवती थी तो उसी समय भगवान त्याग कर दे, उसकी मर्जी, राजधर्म। रुक्मणी महारानी पसीना से लथपथ हो गई, सर झुकाई है, कांप रही है, पंखा भी कर रही है। अब भगवान एक बात और बोल दिए, कहते रुक्मणी मुझे लगता है ना कि अभी भी देरी नहीं हुई है, मतलब यदि तुम चाहो तो अभी भी मैं तुम्हारा विवाह उसी शिशुपाल से करा सकता हूँ। अब तो इतनी बात बोल ली थी कि रुक्मणी मैया मूर्छित होकर गिर गई। ऐसी भक्तनी ऐसी बात सहले, जैसे बेहोश होने लगी मैया तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के गिरते हुए रुक्मणी मैया को संभाल लिए। एक भुजा से पंखा करने लगे, जल छिड़कने लगे। बड़ी देर के बाद रुक्मणी मैया को होश आया। भगवान कहते लो कर लो बात, मैं कर रहा था मजाक, अब तू शरीर छोड़ने को हो गई तैयार। अरे घर गृहस्थी जीवन में हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, ऐसा थोड़े के मुंह फूला करके फुकना बना लो। ऐसे हंसते हंसाते विवाह शादी होंगे तो नाचबे करेंगे ना, लेकिन कभी कोई मरियो जाता तो लोग नाचते रहते, डीजे का आदत बना हुआ है। अब पूजो में नाचते, दुर्गा माई की पूजा है, छेला बिहारी का भजन गीत लगा दिया, नाचने लगे। लो पूजा में पूजा करो, जहाँ हंसी मजाक की बात है वहाँ हंसी मजाक करो, गृहस्थ जीवन में ऐसे ही चलता है, थोड़ा बहुत सब कुछ चलता है। अरे रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था, 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, हंसो और हंसाओ, जीना है तो हंस के जियो, रो रो के जीवन को खोना ना जीना, हंसना ही तो है जिंदगी, ये जीवन में है। तो रुक्मणी महारानी कहती है, प्रभु आपने मजाक कभी किसी से किए हैं क्या? आपका हर ज्ञान उपदेश जो है ना कल्याण के लिए होता है। भगवान कहते हैं, अच्छा एक बात बोलो, मैं जो बोला कि हमारी तुम्हारी जोड़ी नहीं जची, तो जोड़ी नहीं जची तो कल जो जोड़ी थी वो अच्छी नहीं थी क्या? तो फिर ये सत्य कैसे हो गया कि जोड़ी नहीं जची? तो रुक्मणी मैया कहते हैं कि प्रभु सुनो, आप परमात्मा हैं और मैं जीवात्मा हूँ, परवस जीव स्वबस भगवंता, अनेक जीव एक श्रीकंता। आप जीव है ना, हम लोग जीव है, तो हम लोग आजाद नहीं है, गुलाम है, शरीर के जेल में है, सप्त धातु का काया पिंजरा, काया के पिंजरे में, लेकिन परमात्मा स्वतंत्र है, इसीलिए हम में आप में कोई जोड़ी नहीं है। और आपने जो कहा कि आपका कोई माता पिता नहीं है, हे ईश्वर, हे सर्वेश्वर, हे श्याम सुंदर, जब पूरी दुनिया में कुछ नहीं था तब केवल आप ही आप थे,
आपने ही सारे संसार को बनाए, धरती आकाश सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र मिट्टी पानी सब कुछ आपने बनाया। और फिर जब राजा दशरथ हुए, कौशल्या हुए, नंद बाबा हुए, यशोदा, देवकी, वसुदेव, फिर आपने ही रूप बना करके उसके घर में पुत्र बन के आए। ये सब तो बाद में हुआ, पर जब दुनिया में कहीं कुछ था ही नहीं, दुनिया ही नहीं था, तो केवल आप ही आप थे, उसके पहले कुछ नहीं था, तो आपका बाप कौन होगा? सबसे पहले हो तो आप ही थे, इसीलिए आप सबके बाप हैं, आपका कोई बाप नहीं है, तो सबसे पहले आप हैं, इसलिए पहले बाप होता है कि बेटा होता है? पहले बाप ही होता है ना, वही इसके बाद में बेटा होता है। एगो बचुआ बोला कि मेरा बाप जब जन्म ले रहा था ना, तो मैं वहीं पर खड़ा था डिबिया लेके। गप कुछ भी बना लीजिए, सबसे पहले तो बाप होता है, इसीलिए ईश्वर को परम पिता बोलते हैं। एक बार भोला बाबा की शादी हो रही थी, आप पूछिए कि कई बार शादी होते, तो हर बार शादी, हर एक साल शादी होती है, बरसगांठ होता है ना, मैरिज सेरेमनी, तो यही साल में एक बार होता है। भोला बाबा की शादी में जरूर भाग लीजिए, आपके शादी में जो झगड़ा होता है वो मिट जाएगा। तो भगवान की शादी हो रही थी, तो पंडित जी बुलाए, पूजा पाठ शुरू हुआ, पंडित जी पूछते हैं गोत्र बतलाइए, कश्यप गोत्र, नाम बतलाइए, शंकर जी, बाप का नाम बतलाइए, ब्रह्मा जी, दादा का नाम बतलाइए, विष्णु जी, परदादा का नाम बतलाइए। भगवान को लगा भला भको कि जब हम बताते जाएंगे ना, पता नहीं कहाँ जाके अटकेगा ये पंडित। तो बोला सुनो जी पंडित जी, मेरा नाम शंकर जी, अब आपका नाम वर्मा जी, अब विष्णु का नाम, दादा का नाम विष्णु जी, और सबका परदादा मैं हूँ जी, आगे कोई नहीं है भैया, सबके पहले ईश्वर ही थे ना। करता एक अगम है आप वाके कोई माय न बाप, ना तिसु मात पिता सुत बंधप, ना तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम पर सगली ज्योति तुम्हारी। ईश्वर के पहले कुछ नहीं था, इसीलिए ईश्वर को परम पिता कहते हैं, वही सब कुछ बनाए, बेटा को जन्म देते, इसीलिए वो बाप कहलाते हैं। तो जगत पर सब करता ईश्वर, ओम युंजाना प्रथमम मनस्तत्वाय सविता देयम्। वो जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जगत को जन्म दे, इसलिए जगत के पिता हो गए, पर ईश्वर को कोई जन्म नहीं दिए, इसलिए पर वो आपके माँ बाप का कोई पता आता नहीं है, क्योंकि आपका ही पता नहीं है, इसलिए आपका कोई पता नहीं, सबके पहले आप हैं, बाद में आए तो आपको कौन जानेगा, इसलिए आपका कोई अंत भी नहीं है, इसीलिए लोग आपको अनंत कहते हैं। इस तरह से सुंदर व्याख्या रुक्मणी मैया ने दी और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान कहते अच्छा बोलो कि मैं बोला था कि मैं चोर हूँ, तो तुझे मैं चोर नजर आता हूँ क्या? रुक्मणी मैया कहती है नहीं प्रभु, आप चोरी नहीं है, चोरों के भी सरदार हैं। अरे दुनिया वाले तो रुपया पैसा चुराते हैं, दुनिया के चोर, पर आप भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, तो इसीलिए आप सबसे बड़े चोर हैं। और प्रभु भगवान ने कहा अच्छा एक बात बोलो कि मैं बोला कि मैं छिप करके समुद्र में रहता हूँ। रुक्मणी मैया कहते हैं आप जो समुद्र में रहते हैं ना, तो भक्तों का हृदय है जहाँ आप छिप करके रहते हैं, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई दुष्ट राजा नहीं जाता है। ये दुष्ट राजा कौन है? तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, यही है दुष्ट, इसी के कारण मानव दानव होता है। आप जिस हृदय में रहते हैं वो हृदय पवित्र रहता है, मंदिर की तरह रहता है, वो आनंद करके आप उस वक्त को रखते हैं। रुक्मणी मैया का वो संवाद सुन करके भगवान खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ रुक्मणी मैया ने जो सत्संग सुनाई, वो सत्संग अद्भुत आत्मस्वरूप ईश्वर स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। अब आगे जो कथा आती है कि भगवान एक बार यहाँ आते हैं, कहाँ, हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर राजसी यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ पर शिशुपाल ने विरोध किया, तो भगवान का सुदर्शन ने उसका गर्दन उड़ा दिया। पहले 100 गाली दिया उन्होंने, भगवान सह लिए। भगवान कहते हैं कितनों शक्ति सामर्थ्य हो, पहले सहो और बाद में जो होगा देखा जाएगा,
गाली पर गाली सह लिए, पर सौ के बाद एक सीमा होता है बाद में उसका उद्धार की। जरासंध के पास गए भीम अर्जुन को लेकर उसका उद्धार की। महाभारत के युद्ध में भगवान सारथी बनकर के अर्जुन का बेड़ा पार लगाए। हे परीक्षित, कथा का कोई अंत नहीं है, तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित कहते, गुरुदेव मैंने सुना कि भगवान दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, दीनहीन पर जब संकट आता है तो भगवान दौड़ के आ जाते हैं कृपा करने के लिए। ऐसा कोई उदाहरण है जिससे मैं समझ लूं कि वो भगवान दीन बंधु हैं, गरीब भूले बिसरे भूले भटके असहाय के सहायक हैं? तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी का चरित्र याद आया और यहाँ पर सुदामा जी के चरित्र के साथ ही कथा भी पूरी हो जाएगी। आप लोगों को पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने इसमें समय दिए। वैसे भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर फिर भी जो विधि विधान है उसके अनुसार 7 दिन में ये पूरा होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो बोली जाती है कथा में, पर यहाँ से जो बोला जाता है सुखदेव जी महाराज बैठ के बोलते हैं। मेरे में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। इस व्यास मन से जो ज्ञान उपदेश मिलता है तो गुरु महाराज की वाणी समझ के धारण कीजिए तो निश्चित रूप से पुण्य के भागी बनेंगे, कल्याण होगा। और जो भी टूटी फूटी भाषा है, वो मेरी टूटी फूटी भाषा है, उसे आप भुला दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आप लोग बड़े दयालु हैं। ये हमारे आदरणीय जो कथा आयोजक हैं श्री गणपति बाबू, उसकी धर्मपत्नी, उसके बेटा गोपाल जी और पुतहु और बेटी सब, और उनके भाई इंजीनियर साहब हैं, तो ये सब परिवारों ने बड़े श्रद्धा भक्ति से ये सब का आयोजन किए और ये सफलता की का राज ये श्रद्धा होता है। तो आइए हम लोग सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश करें, पर हम लोग एक भक्त भजन के साथ आनंद पूर्वक सुदामा जी के चरित्र। तेरी मन मेरा, तेरी तन मेरा, तेरी मन मेरा, तेरी तन मेरा, तेरे मनोग मेरा रे, नाम सुमन ले ध्यान लगा ले, सुन जगत मेरा।